हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही हम लोग ये स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको लॉजिक पता चल जाए, लेवल्स आपको क्लियर हो जाए जो किस लेवल पर आपको ट्रेड करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, कहाँ पर आपको जो है एग्जिट करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को और भी शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे। तो चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर जो है कल मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था, जो यहाँ पे जो है एक अच्छा फॉल ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग इस स्टॉक में अभी भी बेयरिशनेस देख रहे हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट यहां पे पेंडिंग है। और कल अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो ठीक, अगर नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप जो है जरूर जाके देखिएगा, जिससे कि आपको भी चीजें क्लियर हो जाएगी, चीजें कैसे हो रही है। उसके बाद देखिए, आज आपको फर्स्ट कैंडल निगेटिव खुला, काफी अच्छा एक बियरिश कैंडल बना, लेकिन 2200 के लेवल से आपको एक शार्प रिकवरी इस स्टॉक में आया, और पूरा उसके बाद पूरा टाइम आपको स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में कंटिन्यू रिकवरी होते रहा। और याद होगा हम लोगों ने लेवल्स आपको बताया था, जो 2270 2280 के जोन में जो है हम लोग इसको रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो देखिए, अब जो है ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेस पे खड़ा हुआ है, जहां पे कि हम लोग शॉर्ट करने के लिए इसको देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको नेगेटिव साइन शो करने दीजिए। ये आपको कंटिन्यू, अगर आप यहां पे देखिएगा तो फर्स्ट टाइम आपको पुल बैक लिया, फिर आपको स्टॉक ऊपर निकल गया। यहां पे भी आपको लास्ट कैंडल में पुल बैक जरूर लिया है, लेकिन फिर जो है आपको क्लोजिंग ऊपर दिया है। तो यहाँ पे वेट कीजिए, अगर कल एक यहाँ पे बियरिश कैंडल आपको कुछ इस टाइप से बनता है, या कुछ आपको एम पैटर्न टाइप से यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 2290 का होने वाला है, और टारगेट जो है हम लोगों का 1:2 का होने वाला है। जहाँ पे एंट्री लेंगे उसके वहां से जो है 1:2 का टारगेट होगा और 2290 का जो है स्टॉप लॉस होने वाला है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के ऊपर। तो इन्फोसिस का वीकली चार्ट हम लोगों के सामने खुला हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में आपको एक क्लियर चीज दिखेगा, जो आपको कई मंथ के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 1800 के लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुलाई मंथ से जो है कंटिन्यू स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल अटेम्प्ट लिया इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, बट फाइनली लास्ट वीक में आपको जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और यही वजह है कि आपको फ्राइडे के सेशन में भी जब फॉल हुआ था तो इन्फोसिस पॉजिटिव क्लोज हुआ था, और आज के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ड्रास्टिकली जो है आपको इतना नीचे गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्फोसिस में आपको ज्यादा गिरावट नहीं आए। तो कहीं ना कहीं 1800 का लेवल जो है इन्फोसिस होल्ड कर रहा है। स्टॉक जो है आपको पूरे मार्केट में सिंगल निफ्टी का स्टॉक मुझे दिखा जो कि आपको पॉजिटिव था आज। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग यहाँ पे बाई पोजीशन के लिए देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो आप देखिए ऊपर गया जरूर, फर्स्ट कैंडल में ऊपर गया जरूर, बट आपको उसके बाद रिट्रेस बैक हुआ, और यहाँ पे एक अच्छा रेंज बनाया है। अगर हम लोग यहाँ पे आपको बात करें तो इस लेवल के ऊपर 1803 के ऊपर, और यहाँ पे आपको 1787 इस रेंज में जो है एक अच्छा आपको रेंज बनाया है। इस जोन में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है आज। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1130 से 330 तक जो है आपको कंटिन्यू इसी जोन में रहा। नीचे देखेंगे इमीडिएट आपको डायनेमिक सपोर्ट है, इससे पहले भी इस लेवल को रेस्पेक्ट कर चुका है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा, जो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल लगा के रखना है, क्योंकि ये जो है आपको एक कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है, और वहां पे हम लोग अगेंस्ट ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्टॉक का ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में जो है आपको एक बियरिश सेंटिमेंट अभी ज्यादा यहाँ पे आपको डोमिनेट कर रहा है। तो इसलिए जो है लॉन्ग के स्टॉक में जो है आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाना चाहिए।
सबसे पहले आपको एंट्री लेना है 1803 के ऊपर, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो 1803 के ऊपर आपका एंट्री पॉइंट होगा, 15 मिनट का एक अच्छा कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर इस टाइप का कैंडल हुआ, अगर कुछ इस टाइप का कैंडल हुआ अपर वीक रिजेक्शन, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है। अगर कुछ इस टाइप का कैंडल हुआ तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, एक फुल कैंडल या थोड़ा बहुत वीक चलेगा, बट यहाँ पे आप देखिए तो बॉडी का 50% ऑलमोस्ट जो है आपको वीक है, तो ऐसा वीक हम लोगों को नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है, तो इसलिए जो है एक अच्छा फुल कैंडल यहाँ पे हम लोगों को मारुबोजू टाइप यहाँ पे बनने दीजिए 1803 के ऊपर। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री करने के लिए देखेंगे, और एक बार अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे SL हम लोगों का होने वाला है 1775। ये जो लेवल है ये हम लोगों का SL होने वाला है, तो हम लोग का SL जो है ऑलमोस्ट आपको 28 पॉइंट का होने वाला है 1.5% इस स्टॉक के लिए। टारगेट हम लोगों का 3-4% का रहेगा, और इसको हम लोगों को 2-3 दिन के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, तो इसलिए जो है ये आपके लिए एक पोजिशनल कॉल रहेगा। तो आप अगर कैश के थ्रू जाएंगे तो CNC में आप ले सकते हैं, या फिर जो है आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आप जो भी जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइंड है 1775 के नीचे अगर ये स्टॉप निकलता है तो फिर आपको डेफिनेटली अपना कॉल पोजीशन भी बुक करना चाहिए, और कैश में भी जो है आपको वहां पे एक बार के लिए एग्जिट कर जाइए। अगर फिर से री एंट्री का मौका देता है तो हम लोग फिर से री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए यहां पे हम लोग जो है जरूर एग्जिट कर जाएंगे। और उसका सबसे सिंपल रीजन है, अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको जो है यहाँ पे क्लियर एक गैप दिख रहा है, अगर यहाँ पे आपको निकलता है नीचे तो फिर स्टॉक जो है रिट्रेस बैक और नीचे हो सकता है। तो इसलिए 1803 के ऊपर अगर निकलेगा 15 मिनट का कैंडल तो हम लोग को वहां पे आपको बाई करना है, 1775 का स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट जो है हम लोगों के स्टॉप लॉस का 2 times होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ जो है अपने और भी दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।